न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सुमेर सागर ताल मामले में एसडीएम सदर ने किया बड़ा खुलासा। 6 लोगों पर कार्रवाई के लिए मंडलायुक्त को भेजा पत्र। कहा भू माफियाओं ने संगठित रूप से नगर निगम जीडीए और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर करोड़ों में बेची ताल और नगर निगम की जमीन। सभी को चिन्हित कर होगी कार्रवाई। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष सर्विलांस अभियान संचालन टीम की बैठक। 5 से 15 जुलाई तक पल्स ऑक्सीमीटर से डोर टू डोर कोरोना संक्रमण की जांच करने के दिए निर्देश। सिकरीगंज थाना क्षेत्र में रानीपार गांव में युवक की गई हत्या में फरार 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भेजा जेल। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कमिश्नर डीएम ने खरैया पोखरा एजेंट सिंह चौराहे पर किया निर्माणाधीन 4 लेन के कार्यों का निरीक्षण। नालों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ विशेष सर्विलांस अभियान संचालन समिति की बैठक। घर घर जाकर कोरोना की जांच के दिए निर्देश। कहा तैयार किया जाए डाटा। स्वाट एसओजी सर्विलांस क्राइम ब्रांच और गुलजिया पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 छाती लुटेरों को किया गिरफ्तार। 3 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखे और लूट का 75,455 रुपए नकदी, 1 आल्टो कार सहित 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। सुमेर सागर ताल पर किए गए अवैध कब्जे पर शनिवार को भी चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम सदर ने कहा नए मॉडल के रूप में विकसित होगा सुमेर सागर ताल। सीओ क्राइम गोरखनाथ ने शनिवार को रामगढ़ ताल थाने का किया मुआयना। व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट। कहा अन्य थानों से बेहतर है रामगढ़ ताल थाने की व्यवस्था। गोरखपुर जिले में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। शनिवार को महानगर में 8 सहित 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 416। अब तक 13 की हो चुकी है मौत। 268 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। 135 संक्रमित मरीजों का चल रहा इलाज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। एसडीएम सदर ने शनिवार को तहसील सदर क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न हॉट स्पॉट क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा सभी आवश्यक वस्तुओं की होगी डोर टू डोर सप्लाई। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने दक्षिणांचल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को अनलॉक 2 का कड़ाई से अनुपालन कराने के दिए निर्देश। कहा सभी पुलिसकर्मी अपने थाना क्षेत्रों में रहें अलर्ट। अनलॉक 2 में बढ़े आलू और प्याज के दाम। कारोबारियों ने कहा कम उत्पादन और आवक की वजह से बढ़े दाम। भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पासवान ने कहा सांसद कामलेश पासवान व्यक्तिगत मामले में कर रहे हैं पासी समाज का उपयोग, जबकि सांसद जी को पासी समाज से नहीं है कुछ लेना देना। लगातार हो रही झमाझम बारिश में सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। जिला अस्पताल में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं सैकड़ों मरीज। ओपीडी में तैनात डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कर रहे हैं इलाज। और शनिवार को भी कुछ इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून।